हेलो बच्चों, मैं चंद्रिका अत्रे न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से। हम आज पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम, उसमें हम गद्य खंड ले रहे हैं और गद्य खंड से आज हम अपना पाठ शुरू कर रहे हैं, पाठ कारतूस। आप लोगों ने अपने पाठ की पुस्तक में आपने देखा होगा कि जहाँ इंडेक्स है वहाँ पर आज हमारा लास्ट लेसन है एक कारतूस, तो इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। कक्षा दसवीं के पाठ आठ से है कारतूस, जिसको हबीब तनवीर ने लिखा है। अब आप थोड़ा सा इस पाठ की समरी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको। वैसे तो पाठ जब तक हम एंड तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें एक जो रोचकता बनी हुई है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से आपको मे बी इस पाठ की जो एक रोचकता होनी चाहिए, जो एक इंटरेस्ट बना हुआ होना चाहिए लास्ट तक। जैसे कोई हम मूवी देखते हैं और मूवी में हम लास्ट एंड का जो सस्पेंस बना हुआ रहता है उसको देखने के लिए हम अंत तक मूवी को देखते हैं, वो भी शायद इस पार्ट से ही कुछ मिलती जुलती है। तो हम इसका सस्पेंस ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पार्ट थोड़ा सा शब्दों की बनावट की वजह से और थोड़ा सा जो कैरेक्टर हैं इसमें उनका आपस में जो रिलेशन है उसको अगर हम समझेंगे नहीं तब तक आपको पार्ट समझ में आएगा नहीं। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ते भी चलेंगे और थोड़ा सा हम इसके बारे में जो इसका सस्पेंस है वो तो हम एंड तक नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देखते हुए और जो आपस में कैरेक्टर हैं इसमें जो पात्र हैं उनको हम आपस में उनका क्या रिलेशन है, क्योंकि वो पार्ट की अगर आप एक सिंपल रीडिंग भी करेंगे तो आपको ये नहीं उसमें पता चलेगा कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। तो वैसे ये 5 मिनट की एक एकांकी है, नाटक से जो एक छोटा पार्ट होता है, एक भाग होता है, उसको कहते हैं एकांकी। तो ये एक हमारी एक एकांकी है जिसमें कि हमें कुछ 4 या 5 पात्र हैं इसमें और उनका आपस में कुछ कन्वर्सेशन, उनका कुछ आपस में बातचीत चल रही है, उसी को हम आज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम पाठ प्रवेश आप अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ना। यहाँ पर हम कारतूस पाठ को हम आपसे ये बताने के लिए हमें हबीब तनवीर जी ने बताया है कि जो ये कारतूस पाठ है वो एक अंग्रेज़ों का, हम गुलाम भारत के समय का लिखा हुआ ये पाठ है या उस समय की घटना है, सॉरी लिखा हुआ नहीं है, घटना है ये। तो हमारे जहन में ये बात आती है कि निश्चित कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारी क्रांति हुई, उसमें एक सबसे ज़्यादा मशहूर क्रांति कौन सी थी, 1857 की क्रांति, जिससे आप और हम सब काफ़ी वाकिफ है। उसमें हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अंग्रेज़ों का घोर विरोध किया था और उनका हमने यहाँ से उनको भगाने के लिए या उनको यहाँ से हटाने के लिए पूरी पूरी तैयारी की थी। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं, हबीब तनवीर जी आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 1857 से ही हमने शुरू किया था अंग्रेज़ों को अपने भारत से भगाने के लिए, नहीं, ये क्रांति 1799 के आसपास भी ये क्रांति हुई थी, लेकिन इसको शुरू करने वाला कौन व्यक्ति था, वज़ीर अली। एक वज़ीर अली नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1799 में ही पहली बार प्रयास किया था अंग्रेज़ों को भारत से हटाने के लिए। तो निश्चित है अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कारतूस और इसको लिखने वाले हैं लेखक हैं हबीब तनवीर। आप जैसे पाठ प्रवेश में बता रहे हैं कि आप सब हम जानते हैं कि अंग्रेज जो थे हमारे भारत देश में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि हमारे बीच में न तो एकता है न हमारे बीच में आपसी सामंजस्य है, हम एक दूसरे से प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के प्रतियोगी थे। यानी अगर हमारे पास अच्छा शासक है तो हम उससे और ज़्यादा अच्छा शासक बनने के लिए और उसकी ही भी सत्ता को हड़पने के लिए हमने आपस में ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी थी, और इसी बात का फ़ायदा किन्होंने उठाया, अंग्रेज़ों ने उठाया। और दूसरी क्या चीज़, एक तो हमारे देश में धन दौलत काफ़ी थी, काफ़ी संपन्न देश था हमारा, और इस चीज़ का भी उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया कि काफ़ी रुपया पैसा है और भारतीयों को बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर, हमारे विश्वास को तोड़कर अंग्रेज़ों ने जो यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आए थे लेकिन हमारे ऊपर ही उन्होंने कब्जा जमा लिया और हमें गुलाम बना लिया। तो हमने एक व्यापार करने आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनको हम अंग्रेज़ों के भी नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी कंपनी क्या थी, जो व्यापार करने के उद्देश्य से जो कंपनी हमारे भारत में आई थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो निश्चित है कि कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, जो छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको भी अपने में मिला लिया। और वहाँ के राजा क्या चाहते थे कि वो बड़े राजाओं से कंपटीशन करते थे, प्रतियोगिता करते थे, उनको अपना वर्चस्व दिखाने की होड़ में उन्होंने अंग्रेज़ों पर भी विश्वास करना शुरू कर दिया और अपना सारा खजाना उनके सुपुर्द कर दिया।
तो निश्चित है अब हम पाठ पढ़ रहे हैं कि हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत में एक नई क्रांति जो 1857 हमारे जहन में आती है, तो हम ये याद रखें कि नहीं, उसके पहले भी एक क्रांति हुई थी जिसको वजीर अली ने शुरू किया था। पाठ शुरू करते हैं। मैं पाठ यहाँ से पैराग्राफ के बाद वन बाय वन लाइन से पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक में उसको कंटिन्यू करिएगा। पात्र हैं इसमें एक कर्नल है, एक लेफ्टिनेंट है, एक सिपाही और एक सवार है। चार लोग हैं, चार लोगों के बीच इर्द गिर्द ये पूरी नाटक नाटिका चलेगी, छोटी सी नाटिका है ये। अवधि इसकी 5 मिनट है। जमाना सन 1799 का है। जमाना यानी किस समय की ये घटना है। समय है रात्रि का और स्थान है गोरखपुर का जंगल। अब गोरखपुर के जंगल में अंग्रेज अपने दो अंग्रेज अपना खेमा डाले। खेमा यानी जो अस्थाई तंबू होता है, कहीं पर रहने के लिए अस्थाई जो कपड़ों का एक घर बनाया जाता है, एक तंबू बनाया जाता है, उसके अंदरूनी हिस्से की ये घटना है। अब क्या घटना घटी, दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल खॉलिज और एक लेफ्टिनेंट, खेमे के अंदर है। चांदनी छिटकी हुई है, चांदनी फैली हुई है। छिटकी हुई शब्द का अर्थ है यहाँ पर फैली हुई है। अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। खेमा डालना यानी अस्थाई तरीके से तंबू बनाकर वहाँ रहना। जब हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ समय रुकना पड़ता है और हमारे रहने सोने खाने पीने के लिए हम एक जो अस्थाई जगह बनाते हैं उसको खेमा कहते हैं, उसको तंबू कहते हैं। अब यहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं, गोरखपुर के जंगल में अस्थाई तंबू बनाकर। क्यों? क्योंकि कंपनी का हुक्म है। कंपनी यानी जो बड़े अंग्रेज़ों के जो बड़े शासक हैं, जो उनके गवर्नर हैं, जो जनरल हैं, जो भी है उनकी पोस्ट, जो उनकी बड़े पोस्ट के जो अधिकारी हैं, उन्होंने उन दो अंग्रेज़ों को गोरखपुर के जंगल में भेजा है। किस लिए? वजीर अली को पकड़ने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे वजीर अली कौन है, तो हम जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे आपकी थोड़ी सी क्लियर होता जाएगा, आपको थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। उनके अफसाने, कर्नल उनके अफसाने सुनकर तो रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत रही होगी, मगर इस 5 महीने में मैं अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। अब देखिए, कर्नल थोड़ा सा वजीर अली का इंट्रोडक्शन दे रहा है। किसको? लेफ्टिनेंट को। लेफ्टिनेंट को कर्नल बताता है कि ये जो वजीर अली है, इसके जो किस्से सुनते हैं, कारनामे यहाँ पर शब्द से है, किस्से कहानियाँ सुनते हैं, तो उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि रॉबिन हुड एक कैरेक्टर रहा है, जो कि वो भी अंग्रेज़ों का काफ़ी उनके खिलाफ था, अंग्रेज़ों के काफ़ी खिलाफ था। वो क्या करता था रॉबिन हुड, कि वो भी अंग्रेज़ों को लूट कर, उनको परेशान करके उनका रुपया पैसा लूट कर गरीबों में बांट दिया करता था। और वजीर अली क्या कर रहा है, वजीर अली भी अंग्रेज़ों के खिलाफ है, वो भी उनको भारत से भगाना चाहता है। और जो 5 महीने वजीर अली ने जो हुकुम मतलब शासन किया, उसको एक पोस्ट मिली थी, एक शासन मिला था, वो 5 महीने तक उसने उस पर काम भी किया, परंतु उन 5 महीनों में उसने सारे अंग्रेज़ों को मजा चखा दिया था। अब कर्नल खालिज, ये शहादत अली कौन है? अब चूंकि कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से पूछते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार में जितने भी कर्मचारी थे वो यहाँ के मुगल साम्राज्य को पहचानते नहीं थे, तो दोनों एक दूसरे से परिचय ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि आप शहादत अली कौन है। वजीर अली को तो समझ में आता है कि वजीर अली एक अंग्रेज़ों का दुश्मन है, जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन अब शहादत अली कौन है? तो शहादत अली के लिए लेफ्टिनेंट बता रहा है कि आसिफ उद्दौला का भाई कौन है? शहादत अली। और शहादत अली वजीर अली का उससे क्या रिलेशन है? वजीर अली के वो अंकल हैं। किसके काका हैं? शहादत अली। अब वजीर अली का और उसका दुश्मन है। असल में नवाब शहादत अली के यहाँ कोई लड़के की उम्मीद नहीं थी, और वजीर अली की पैदाइश ही शहादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। अपनी मौत का ख्याल करना यानी अपने बने बनाए काम को बिगड़ते हुए देखना। यहाँ पर लेफ्टिनेंट समझा रहे हैं, कर्नल समझा रहे हैं कि जो वजीर अली है वो आसिफुद्दौला का बेटा है। और कई समय तक पहले क्या था कि आसिफुद्दौला के घर कोई संतान नहीं थी, तो निश्चित है जब भाई के घर कोई संतान नहीं होती है तो उसका सारा राजपाट, उसकी सारी जायदाद उसके भाइयों में वितरित हो जाती है। तो यहाँ शहादत अली अपने आप में एक सुकून भरी जिंदगी ये सोचकर जी रहा था कि एक न एक समय बाद जब बड़े भाई की मृत्यु होगी या बड़ा भाई पद से हटेगा, राजा के पोस्ट से हंसेगा या शासन उसका हटेगा, तो मेरा ही राजपाट रहेगा। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि वजीर अली का जन्म हो जाता है। शहादत आसिफुद्दौला के घर अचानक बेटे का जन्म हो जाता है, काफ़ी सालों काफ़ी अरसों के बाद।
तो यहाँ पर शहादत अली अपने आने वाले बुरे समय को देख देख कर वज़ीर अली को अपना दुश्मन मान लेता है। क्यों? क्योंकि वज़ीर अली के आने के बाद से ही जो जितना भी उसको बात की पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, भाई की जो पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, वो उसको बाद में मिलने वाली नहीं थी। तो इस कारण शहादत अली क्या है कि अंग्रेज़ों से जाकर मिल जाता है। क्या सोचकर कि अब भाई के पास तो संतान है, भाई की जो पोस्ट है या जो भाई का जो शासन है या जो राज्य है या जो जो भी खजाना है वो अब सब कौन यूज़ करेगा या कौन उसको वारिस बनाएगा, तो ये वज़ीर अली बन जाता उसका वारिस। इस कारण से लेफ्टिनेंट, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलियत थी? अब यहाँ पर कर्नल हर चीज़ को कंफ्यूज हो रहा है, हर चीज़ में उसको रहस्य लग रहा है, हर चीज़ में वो थोड़ा सा ये सोच रहा है कि आखिर इन दोनों का आपस में झगड़ा क्यों है और आखिर में ये एक दूसरे से चाहते क्या है। अगर वज़ीर अली की दुश्मनी अंग्रेज़ों से है तो फिर ये आपस में ही एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? तो उसी चीज़ का तो उन्होंने फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई ही भाई का दुश्मन था। मुगल साम्राज्य में क्या था, आपस में एकता नहीं थी। एक दूसरे को मारकर उसका तख्त ताज छीनना, उनके साम्राज्य पर कब्जा करना, आपस में ही लड़ना, एक दूसरे को काटना और एक दूसरे के साथ षड्यंत्र करना, धोखा करना, यही सब कुछ कारण देखकर तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया। अब यहाँ पर शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुकल्लित यानी जायदाद दे दी है और 10 लाख रुपये भी। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। शहादत अली जब अंग्रेज़ों से मिल जाता है तो अंग्रेज़ों को वो यह इत्मीनान कर देता है कि वज़ीर अली को पकड़ने में वो भी उनकी बराबर मदद करेगा। क्यों? क्योंकि शहादत अली का दुश्मन वज़ीर अली भी था और अंग्रेज़ों का भी दुश्मन कौन था, वज़ीर अली। तो दोनों दुश्मनों का एक दोस्त हो जाता है, तो अंग्रेज़ और शहादत अली दोनों आपस में मिल जाते हैं। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह आजम को भी हिंदुस्तान पर आमंत्रित कर रहा है। हाँ, अफगानिस्तान को हमले की दावत तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। अब सारे जितने भी मुग़ल साम्राज्य हैं वो सब आपस में एक दूसरे को लड़ाई के लिए न्योता दे रहे हैं और सबका रीज़न क्या है कि सब अगर आकर वहाँ हमला करेंगे, हिंदुस्तान पर अगर हमला होगा तो हिंदुस्तान की तरफ से लड़ेगा कौन? उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो निश्चित है अंग्रेज़ इस चीज़ में हार जाएंगे और हमारा भारत फिर से आज़ाद हो जाएगा। तो यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य कुछ कुछ हद तक आपस में उनके बीच में एकता भी थी और कुछ न कुछ उनका अपना भी एक कहना चाहिए स्वार्थ था कि सब आपस में लड़ेंगे तो आखिरी में बचेगा कौन, जो बचेगा वही राज करेगा। अब अफगानिस्तान कौन शमशुद्दौला? इतने में लेफ्टिनेंट ने फिर क्वेश्चन किया, शमशुद्दौला कौन कहे? इतने में कर्नल ने जवाब दिया कि नवाब, बंगाल नवाब का निस्तेबी शब्द का उर्दू शब्द है, उसका अर्थ होता है रिश्तेदार। तो ये कौन है शमशुद्दौला? क्यों? वज़ीर अली के जो पिता हैं यानी आसिफुद्दौला, वज़ीर अली के जो पिता हैं आसिफुद्दौला, उनका कोई दूर का रिश्तेदार है लेकिन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसको बुलाने से ही शायद अंग्रेज़ों का यहाँ पर हम सफाया कर सकते हैं, भारत से सफाया, हिंदुस्तान से सफाया हम कर सकते हैं। अच्छा लेफ्टिनेंट, तो इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ रही है। कंपनी यहाँ पर अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ तात्पर्य क्या निकल रहा है? अंग्रेज़ों से। तो फिर लेफ्टिनेंट को कर्नल बड़े आश्चर्य से बोलते हैं कि क्या वाकई में पूरे हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ लहर चल रही है? सारे मुग़ल साम्राज्य एक साथ होकर हमें यहाँ से भगाने के लिए, हमें यहाँ से खदेड़ने के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं? कर्नल, यस, जी हाँ, अगर ये कामयाबी हो गई तो बक्सर और पलासी के जो हमारे कारनामे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और कंपनी ने जो कुछ भी लाट प्लाइप की वजह से पाया है वो सब किसकी वजह से गवा देंगी? लॉर्ड वेलजली के हाथ से सब कुछ गवा देंगी। अब लॉर्ड क्लाइव कौन थे? जिस समय अंग्रेजों ने सब कुछ अपना कब्जे में किया था उस समय किसका शासन था? लॉर्ड क्लाइव का। और आज शासन किसका है? लॉर्ड वेलजली का। तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टरों को कर्नल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने तो कितनी चालाकी से भारत पर कब्जा जमाया, लेकिन आज की तारीख में अगर ये लॉर्ड वेलजली ने अगर कुछ सतर्कता नहीं दिखाई, कुछ समझदारी नहीं दिखाई, तो ये सब वापस हमारे हाथ से चला जाएगा, यानी हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अब दोनों अंग्रेज आपस में बैठकर बात कर रहे हैं और दोनों यही सोचकर बैठे हैं कि निश्चित अब तो वज़ीर अली को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। कर्नल, इसीलिए तो पूरी फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और वो बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और निश्चित वो इन्हीं जंगलों में है परंतु हाथ नहीं आता है। उनके साथ चंद जाबाज़ है और मुट्ठी भर आदमी है परंतु इतना दमखम। अब यहाँ पर कर्नल क्या कह रहा है,
लेफ्टिनेंट को समझा रहा है कि हमें उसे कोई मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए, वो एक व्यक्ति होकर पूरे अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है, मतलब उसके साथ कुछ थोड़े बहुत जाबाज सिपाही है, परंतु फिर भी उसके अंदर हिम्मत देखो, वो इतनी बड़ी हिम्मत करके हमें चुनौती दे रहा है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर पर भी बहुत बहादुर आदमी है। हाँ बिल्कुल सही, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। कंपनी का वकील यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों का एक वकील था, उसको भी वजीर अली मार चुका था। कर्नल को ये किस्सा पता नहीं था तो लेफ्टिनेंट से वो उत्सुकतापूर्वक अगले पैराग्राफ में पूछता है, ये कत्ल का क्या गुस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ? उसके पद से हटाने के लिए वजीर अली को बनारस भेजा गया। 3 लाख सालाना वजीफा, वजीफा यानी जो उसको एक निश्चित जो राशि मुकर्रर यानी निश्चित करना, एक निश्चित राशि कर दी गई थी, और उसके बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता, जो कि आजकल कोलकाता के नाम से जाना जाता है, तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। तलब शब्द का अर्थ है तलाश करना, किसी चीज़ की खोजबीन करना। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा वजीर अली को ही भला बुरा कह दिया। वजीर अली के दिल में यूँ तो अंग्रेजों के खिलाफ वैसे भी कूट कूट कर नफरत भरी थी, उसने उसी वक्त खंजर यानी चाकू निकाला और वकील की हत्या कर दी। यहाँ पर वजीर अली को एक बनारस की जगह है, वहाँ पर उसे पूरा राजशासन दिया गया था अंग्रेजों ने कि तुम हमारे खिलाफ कुछ मत करो, हम तुम्हें एक जगह देते हैं, वहाँ पर कुछ खजाना है, हम उसका तुम्हें मालिक बना देते हैं और वहाँ पर तुम्हें वहाँ की गद्दी भी दे देते हैं और तुम आराम से वहाँ पर अपना शासन चलाओ, वहाँ की राज्य सत्ता चलाओ और जो भी तुमको ऐश करना हो तुम वहाँ बैठ के करो, हमारे काम में तुम हस्तक्षेप मत करो। ऐसा वकील और वजीर अली के बीच में कुछ वो हुआ था, निर्णय हुआ था। अब होता क्या है कि वजीर अली भी मान जाता है और वो बनारस की जो राजगद्दी है उस पर बैठ जाता है, लेकिन बीच में होता क्या है कि गवर्नर जनरल फिर से आकर वजीर अली को वहाँ से हटा देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ और अपनी जगह पर वापस चले जाओ, अपने देश में तुम वापस चले जाओ। अब यहाँ पर वजीर अली को ये बात पता अच्छी नहीं लगती है कि जब मुझे वकील ने यहाँ के लिए मुकर्रर किया, यहाँ की पोस्ट दी और हर साल मुझे 3 लाख रुपए पैसा देने की बात हुई, तो बीच में गवर्नर जनरल क्यों आकर मुझे अपनी पोस्ट से हटा रहा है? तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ विवाद होते हैं और इस विवाद की स्थिति में वो वकील से इस बात को बहस करता है कि आपके कहने पे मैं यहाँ आया और आपने ही मुझे सालाना जो भी वजीफा देना है, जो भी मुझे राशि देते हो आप, तो आप देते हो, तो आप जाके गवर्नर जनरल से बात करो कि आप मुझे यहाँ से ना हटाए। लेकिन वकील वजीर अली की बात सुनने के बजाय उल्टा उसी को भला बुरा कहता है कि तुम्हारा ही कैरेक्टर ठीक नहीं है, तुमने ही अपने वालों से दुश्मन, अपनों को दुश्मन बना रखा है, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इस बीच में दोनों के बीच बहस बढ़ती है और वजीर अली जो कि पहले से ही अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था या पसंद नहीं करता था, ठीक है वो उनके साथ मिलकर थोड़ा बहुत अपने देश के काम चला रहा था, लेकिन अंत में क्या होता है कि जब वो वाकई में वजीर अली को ही गलत ठहराता है तो वजीर अली इस बात को सहन नहीं कर पाता है और वकील की हत्या कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब आगे, लेफ्टिनेंट फिर क्या हुआ? कर्नल, अपने जानिसारों समेत, जानिसारों उर्दू का शब्द है, भरोसेमंद सैनिक, जानिसारों शब्द का यहाँ पर अर्थ है अपने भरोसेमंद सैनिकों को लेकर आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ एक जगह का नाम है। आजमगढ़ का जो शासक था उसने वजीर अली को पनाह दी यानी शरण दी, कुछ समय तक उनको पनाह दी, कुछ समय तक अपने साथ रखा और उन्हें घाघरा एक जगह का नाम है वहां तक पहुंचाने में भी उसकी मदद की। और अब ये जो कारवा है, ये जो पैदल चलने वाले, कारवा शब्द किसको कहते हैं, किसको कहते हैं जो पैदल चलते हैं, तो यहाँ पर वजीर अली और उसके जो भरोसेमंद सैनिक है वो आजमगढ़ पहुँचते हैं। आजमगढ़ के शासक उनकी भरपूर मदद करते हैं, उन्हें घाघरा तक पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से वो गोरखपुर के जंगलों की तरफ निकल जाते हैं और अभी तक वो लोग भटक ही रहे हैं, अभी तक उन्हें कोई निश्चित ठोर ठिकाना मिला नहीं है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली चाहता क्या है? कर्नल, वो यह चाहता है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का इंतजार करे, धीरे धीरे करके अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकाल बाहर करे। ये जानकारी किसने दी? कर्नल ने दी लेफ्टिनेंट को कि वजीर अली आखिर हमसे क्या चाहता है और वो अपने ही किस, आखिर उसकी प्लानिंग क्या है, आखिर उसकी स्कीम क्या है। तो उसकी स्कीम ये है कि वो नेपाल पहुंचे और अफगानी हमले का, जो हिंदुस्तान पर अफगानी हमला होना है उसका वो इंतजार कर रहा है, धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, धीरे धीरे सारे राज्यों को, राज्य के शासकों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। शहादत अली जो उसके अंकल हैं
उसके पिता के जो छोटे भाई हैं उनको वो हटाकर खुद अवध का राजा बनना चाहता है। और आखिरी उसका एक एम क्या है, एक उद्देश्य क्या है, अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना कौन सा मुश्किल काम है, मुश्किल क्या है, अभी तक तो शायद पहुंच भी गया होगा। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब शहादत अली के सिपाही हम सब मिलकर बड़ी संख्या में उसका पीछा कर रहे हैं और हमारे पास ये बिल्कुल पक्की खबर है कि वह इन जंगलों से बाहर अभी तक गया नहीं है। अच्छा, कर्नल उठकर, क्या बात है, गोरा गोरा यानी, इतने में एक सिपाही उधर से आकर कुछ बोलता है। दूर से गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है, गर्द यानी धूल, जब कोई घोड़ा या कोई गाड़ी या कोई ऐसी वस्तु जब सड़क पर से गुजरती है और जब वो जो धूल का गुबार उड़ता है उसको गर्द कहा जाता है, उर्दू शब्द है, गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है यानी धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो तैयार हो जाए, सिपाही सलाम करके बाहर चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो कि खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ यानी बिजी, गर्द तो ऐसी लग रही है जैसे बहुत बड़ा काफिला आ रहा है मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर देखता है, हाँ एक ही सवार है और सरपट घोड़ा दौड़ा है हमारी ही तरफ चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, चलो आने दो इसे, कौन है इसे देखते हैं। सिपाही से कहो इस पर नजर रखे, यह किस तरफ आ रहा है। लेफ्टिनेंट, शुबह की तो कोई गुंजाइश नहीं है, शुबह यानी शक, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, जो व्यक्ति आ रहा है वह निश्चित हमसे ही मिलने आ रहा है और हमारी तरफ आ रहा है बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। खूब, बहुत खूब। सी यानी अंदर आना, या फिर ये कहना कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा ये जो घोड़ा है इसको आपको देखना है। वजीर अली का कोई आदमी ही होगा जो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करने के लिए आया होगा। अब कर्नल और लेफ्टिनेंट जो कि खेमे के अंदर हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि जो ये व्यक्ति आया है वो निश्चित वजीर अली का कोई दुश्मन है और हमारी मदद के लिए आया है। अंदर आते ही सवार तन्हाई शब्द से यानी कि मुझे अकेले में बात करनी है, जितने भी लोग हैं यहाँ से हट जाएं। कर्नल, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप अपना राजे दिल कह दे, राजे दिल यानी आपके अंदर जो भी रहस्य है या आपके दिल में जो भी बात है वो आप हमें बता दीजिए, यहाँ पर कोई भी गलत व्यक्ति नहीं है। सवार, दीवार हमगोश दारद, दीवार हमगोश दारद उर्दू का शब्द है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तन्हाई यानी मुझे तो आपसे अकेले में ही बात करनी है, मुझे किसी के भी सामने आपसे बात नहीं करनी है। सवार, ठीक है, दोनों की तरफ इशारा करता है। कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही सभी बाहर चले जाते हैं। अब सिर्फ तंबू के अंदर कौन है, कर्नल और जो सवार, सवार यानी जो घुड़सवार जो दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा था वह। आपने, सवार क्या पूछता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला हुआ है, यानी आप यहाँ पर इस मुकाम पर, यानी आपने गोरखपुर के जंगल को मुकाम कहा जा रहा है, यहाँ पर क्यों हैं आप लोग और यहाँ पर क्या चाहते हैं आप लोग इतने समय से बैठे हैं। कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार करके लाओ। कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे बड़े गवर्नर हैं, जनरल हैं, जो उन्होंने कहा है कि जाओ और वजीर अली हमारे लिए दुश्मन है और हमारे लिए खतरा है, आने वाले समय में वो हमारे लिए मुसीबत हो सकता है, तो आप लोग जाओ और वो गोरखपुर के जंगलों में छुपा बैठा है ऐसी खबर मिली है, तो कुछ सिपाही लेकर जाओ और उसको पकड़ कर लाओ। ये आदेश किसको मिला था, कर्नल को और लेफ्टिनेंट को। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर का क्या मायना, लाव लश्कर यानी इतनी बड़ी सेना लेके आने का क्या मतलब है, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए आप इतने समय से यहाँ बैठे हैं और इतनी सारी तामझाम लगा कर, तामझाम यानी इतना सारा अरेंजमेंट कर रखा है आपने सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। कवर, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों, क्योंकि वह एक जाबाज सिपाही है। अब देखिए, अंग्रेज खुद भी जानते थे कि वजीर अली काफ़ी बहादुर आदमी है, जान से खेलने वाला व्यक्ति है, यानी कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। सवार, कर्नल लेकिन मैंने तो यह भी सुन रखा है, क्या आप क्या चाहते हैं, इतने में सवार से पूछा जाता है। कर्नल बोलता है कि अगर आप ये सब पूछने के लिए आए हैं क्या हमसे, तो बोले नहीं, फिर आप क्या लेने आए हैं, तो सवार क्या बोलता है जो घुड़सवार है, बोले चंद कारतूस। कारतूस मतलब एक पीतल की छोटी सी डिब्बी होती है जिसके अंदर बारूद भरा जाता है और जो बंदूक में डालकर सामने वाले को घायल करने के लिए या चलाने के लिए, जिसको कहते हैं छर्रे या गोलियां, लेकिन उनकी कोटिंग कहाँ से होती है, वो किसके अंदर बंद होती हैं, उनके आसपास की जो कोटिंग होती है वो पीतल की बनी हुई होती है, डिब्बी बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी गोलियां बनी हुई होती हैं, उनको कारतूस कहा जाता है। चंद कारतूस, चंद यानी मुझे कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल पूछता है किस लिए, सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया, शुक्रिया यानी धन्यवाद। कर्नल आपका नाम,
सवार क्या कहता है, वजीर अली आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान छोड़ देता हूँ, आपको जीवित छोड़ देता हूँ। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है, टापों का यानी घोड़े की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देता है। कर्नल एकदम सन्नाटे में हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। जैसे ही लेफ्टिनेंट अंदर आता है, लेफ्टिनेंट उससे पूछता है ये कौन आया था, तो कर्नल दबी जबान से अपनी आवाज़ क्या कहता है, एक जाबाज सिपाही। तो देखिए एक बहुत बड़ी घटना घटी 5 मिनट के अंदर में, जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेज काफ़ी दिनों से एक जंगल में डेरा डाले हुए थे, वही व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी समय से अंग्रेज परेशान घूम रहे हैं, इतने सैनिक घूम रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति उनके अंदरूनी हिस्से में यानी उनके खेमे में अंदर आ भी जाता है, यानी शेर की मांद में घुसकर शेर से दो दो हाथ करने वाली जो कहावत बताई गई है इस पैराग्राफ में वो अली बताई गई है। वजीर अली खुद अंग्रेजों के पास आता है और बोलता है कि मुझे कुछ कारतूस दे दीजिए, मुझे कुछ गोलियां दे दीजिए। और वो पूछते हैं किस लिए, तो बोलता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। और जब जाते वक्त उससे उसका परिचय पूछा जाता है, तो वो जाते जाते दरवाजे में यह कह के जाता है कि वह वजीर अली ही है। लेकिन अंग्रेज जो कि उसकी इस बहादुरी के काफ़ी कायल हो चुके थे, काफ़ी उसके पसंदीदा हो गए थे, वो खुद भी बोल रहे थे कि हाँ वाकई में वजीर अली एक काफ़ी बहादुर इंसान है, और दबी आवाज़ में कहता है वजीर अली नहीं, एक जाबाज सिपाही आया था और वो हमसे हमारी जान की बख्शी करके गया, यानी हमारी जान को बख्श के गया है, माफ़ करके गया है, किस लिए कि उन्होंने उनको हमने कुछ कारतूस दिए हैं। तो निश्चित है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि एक जाबाज सिपाही की जो एक कहानी है, अंग्रेजों से दो दो हाथ करने की जो उसकी कहानियां हैं, उसको वाकई में अंग्रेजों ने खुद महसूस किया और कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो हम आज ख़त्म कर रहे हैं कारतूस पाठ, जो कि एक जाबाज सिपाही की कहानी है, वजीर अली की कहानी है। वजीर अली जो एक अवध का शासक था, लेकिन वह अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा पक्का दुश्मन था। तो पाठ आज हमारा समाप्त हो रहा है। प्रश्न उत्तर आपको करना है, पीडीएफ फाइल के द्वारा आपको जो भी क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं आप उनको पढ़िए और थोड़ा सा समझकर फिर अपनी भाषा में उसको लिखने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।